রাতে হানা দিয়ে ভেঙে দিল 5টি ঘর। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রাত 2 নাগাদ আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের সুভাষিনী চা বাগানে। গতকাল রাত 2 নাগাদ জলদাপাড়া জঙ্গল থেকে বুনোহাতি সুভাষিনী চা বাগানের গুদাম লাইনে ঢুকে পড়ে। ঢুকে বাগানের শ্রমিক সুভাষ ছেত্রী, বিশাঙ্কর ধনোয়ার, পল্টন রাউত, জিত্রা মুন্ডা ও সুনীল ওরাওয়ের ঘর ভেঙে দেয় এবং ঘরে রাখা রেশন সামগ্রী সব খেয়ে নেয় হাতি। শ্রমিকরা জানান, রাত 2 নাগাদ প্রচণ্ড শব্দে ঘুম ভেঙে যায় এবং উঠে দেখি হাতি ঘর ভাঙছে। ওই সময় পরিবার নিয়ে কোনো ক্রমে ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। ঘরে থাকলে হয়তো আমরা কেউ প্রাণে বাঁচতাম না। अचानक हाथी आया, वो घर तोड़ने लगा। हम लोग तो सोए हुए थे, हाँ, अचानक देख रहे जो तो तोड़ रहा है। दोनों हम लोग पांचों आदमी आस्ते आस्ते जान बचा के इधर से भाग रहे थे। उतना में इधर से आके ये दीवार तोड़ने लगा। तब तक तो हम लोग यहीं पे थे, हाँ, और उतना में ही जब हम लोग इधर से पार हो गए तो घर भी तोड़ ही दिया। उसके बाद वहां से उन लोग बोला जो भाग रहा है, इधर से सीआरपी गाड़ी आया तो बंदूक चलाया तो वो भागा, यही रास्ता भाग गया। और आया है सुबह, सब आके देख के तमाशा किया, कोई एक्शन नहीं लिया है। हाँ, वन विभाग का भी आदमी आया तो बोला आपसे 10,000 रुपया देगा। हाँ, ये कोई कानून नहीं है, जो घर अगर हाथी तोड़ देगा तो पूरा रिपेयरिंग हम लोग करेगा। ये कौन बात बोले? ये बोला, अब बीच बाबू था कि रेंजर था वो भगवान जाने। लेकिन वन कर्मी थे? हाँ, वन विभाग का ही था। और जब वो बोला जो जाओ अपना मैनेजर से बात करो, तो मैनेजर के पास गया है तो बोला तुम लोग रहता है घर में, बनाना भी तुम्ही लोग का है। हम लोग 130 रुपया हिजरा में कमा रहे है, हा? दिन कमाता है, 5 परिवार का हम लोग गुजारा करता है, तो हम लोग कैसे बनाएगा घर। यहाँ पर रात को 2 बजे यहाँ से निकलने के बाद वो दूसरा वाला घर में 2 मियां बीबी सोए थे। उसी टाइम में वहाँ पर लगाया सूट। लगाने के बाद में वो दोनों निकलने भी नहीं सके थे, किसी हाथ ने अपना जान बचा के निकले। वन कर्मी की ओर से आपको क्या आश्वासन मिला? अभी तो फिलहाल बोले हैं कुछ मिलेगा बोल के, तो फोटो खींच के ले गया है। आप बाद में बीट बाबू आए थे तो बोले ठीक है, हम कुछ उपाय करेंगे बोल के बोले हैं। ऐसा घटना क्या यहाँ पहले ही होता है? हाँ, पहले भी हुआ था, इसके मिला के 2 बार हुआ। आपको पहले हर जाना मिला था? पहले भी नहीं मिला है। क्या लगता है, वन विभाग ऐसा मतलब हमेशा घटना घटता था, वन विभाग की ओर से जो मुआवजा कहा गया है वो क्या आप लोगों को मिलेगा ऐसा लगता है? अभी तो फिलहाल नहीं मिला है, पर पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा।